12 साल की लहू बहने वाली औरत अपने घर में बैठी रहती और ये सोचती, काश यीशु मसीह मेरी गली से गुजरते, या काश कोई ऐसा इंसिडेंट होता कि वो मेरे घर के पास कहीं क्रूसेड करने के लिए आते तो मैं भी वहां जा सकती, तो वो बीमारी में मर जाती। पर बाइबल कहती उसने फैसला किया कि जहां भी प्रभु यीशु मसीह गुजरेंगे मैं बीमार हूं लेकिन फिर भी चल के जाऊंगी, छू नहीं सकती लेकिन अपनी पूरी कोशिश करूंगी, मरते दम तक जब तक मैं उसको छू ना लूं। जब मरियम प्रेग्नेंट हुई उसने क्या कहा, परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर क्या की है। उसने ये नहीं कहा पता नहीं कैसे मेरे पे फजल हो गया, पता नहीं कैसे मेरी जिंदगी में इतना बड़ा काम हो गया कि परमेश्वर ने मुझे चुना कि मैं उसके बेटे को जन्म दूं, लेकिन बाइबल कहती है मरियम ने कहा परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर क्या की है, दृष्टि की। इसका मतलब कुछ भी अपने आप इस धरती पे नहीं होता। पत्रस को बाइबल कहती कि पत्रस जब परमेश्वर के पास था तो यीशु मसीह ने कहा पत्रस प्रेयर कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। लिखा सारी रात पत्रस ने प्रार्थना नहीं की, सोया रहा। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, अगले दिन कौन परीक्षा में फंसा? एक लेडी ने बोला तू वही है ना यीशु मसीह के साथ रहता है, चल चल, झूठ बोल रहे तू, आगे चला गया। और एक और आई गई, तू वही है ना, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, तू वही पत्रस है जिसका कान उड़ाया था, वो बोलता है तू वही नहीं जिसने मेरा कान उड़ाया था। कहता लानती हो जो यीशु मसीह को जानता हो। और जब यीशु मसीह जी उठे और स्वर्ग दूत यीशु मसीह के दाहिने जहां रखा था लाश रखी थी, जब यीशु मसीह जी उठे तो वो स्वर्ग दूत वहां बैठे था, वहां लाश नहीं थी। लेकिन बाइबल कहती पत्रस ने मन फिराया और यहूदा इस्करियोती की तरह वो आत्महत्या करने नहीं गया, बल्कि फिर से वो चेलों के साथ मिला और फिर से उनके साथ प्रार्थना करना उसने शुरू की। यीशु मसीह से मिला, यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह ने कहा पत्रस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं। उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा। क्या सचमुच तू मुझसे प्यार करता है पत्रस? हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूं, मेरे मेमनों को चरा। फिर तीसरी बार पूछा क्या तू सचमुच मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, वो डर गया, उसने कहा पता नहीं परमेश्वर को शक पड़ गया शायद, लेकिन मैं तो उससे बड़ा प्यार करता हूं। उसने कहा हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीन बार पत्रस ने इनकार किया था, तीन बार परमेश्वर ने उससे इकरार कराया और दोबारा चेला भर्ती किया उस। आपको मैं बताना चाहता हूं एक आत्मिक बात, जिस जगह के लिए आपको चुना गया, जिस मिनिस्ट्री के लिए आपको चुना गया, आप दुनिया में भाग जाओ आपको ऊंट फिर उसी पहाड़ के नीचे आता है। कई बार आप जब ग्रेस में होते हो, आप एक मिनिस्ट्री के नीचे होते हो, उस मिनिस्ट्री की अनॉइंटिंग की वजह से आपकी फैमिलीज और सब चीजें ब्लेस होती, और जैसे ही आप ग्रेस से बाहर जाते हो जब शैतान अटैक करता आपको मालूम होता आपने क्या गवाया। जो जगह परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई उसमें खड़े और अड़े रहो, और इस धरती के ऊपर अपने आप कुछ भी नहीं होता। पत्रस ने प्रेयर नहीं की, सोया रहा। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, अगले दिन क्रूस पे चढ़ने के बावजूद भी पिता से अलग नहीं हुए। पत्रस परीक्षा में फंसा, तीन बार इनकार किया, चेलों के बीच से निकल गया, है तो चेलों में ही था पर स्वर्ग दूत उसे परमेश्वर का चेला नहीं समझते। सीधा हिसाब है, बाइबल टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, ये बहुत गुंजलों वाली पुस्तक नहीं है, ये बड़ी सीधी 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 परमेश्वर की आवाज है। ये बड़ा सीधा सा रास्ता है, ये तंग जरूर है पर है सीधा। आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, टॉप लेवल स्पिरिचुअल हो सकते हैं और गरीब रह सकते हैं, ये पॉसिबल है। क्योंकि लोगों को लगता है कुछ आसमान से गिरेगा और आसमान निर्धारित कर चुके हैं, जो तेरे हाथ से गिरेगा वापिस आएगा। अपने मन में ठान के, कुड़-कुड़ के नहीं वरन हर्ष से परमेश्वर के कामों के लिए दे। और इसीलिए पौलुस ने जो लिखा, कहता जितना बोएगा तो उतना काटेगा। इस रेवलेशन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने कहा परमेश्वर को याद था। दाऊद ने कहा मैं अपना पर्सनल, क्योंकि राजाओं के पास अपना पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी, उनके पास जमीनें होती थी पर्सनल, लोगों से टैक्स अलग आता था, वो टैक्स पब्लिक के कामों में यूज होता था, लेकिन राजा की पर्सनल जमीनें होती थी जहां की फसलें आती थी, राजा के पर्सनल गिफ्ट आते थे लोगों से, सोना आता, चांदी आती थी, 110 टन सोना उसकी पर्सनल ऑफरिंग थी। और परमेश्वर ने कहा डोंट वरी, तू मुझे हरा नहीं सकता। बाइबल कहती इतना सोना और चांदी सुलेमान के दिनों में था कि लोग उसका मूल्य पत्थरों सा हो गया था, इतना सोना उसके राज में था, पत्थरों सा मूल्य था उसका
रीजन क्या था? आज प्रॉब्लम क्या है? हम आसमान की तरफ देख रहे हैं और आसमान हमारी तरफ देख रहे हैं, और प्रभु नीचे बाइबल रख के बैठा कि भाई तू कब बाइबल पढ़ेगा, कब सीक्रेट पढ़ेगा, कब तुझे मालूम होगा कि अपने आप कुछ भी धरती पे नहीं होता।